Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six by Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है कि अगले कुछ महीने आपकी ज़िंदगी में किस तरह से असर देंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. पहले हम इस डेक से देखेंगे, उसके बाद इस डेक से देखेंगे, फिर हम हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे एंड हम यहाँ पे क्यूब्स को देखेंगे. ओके सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स विल गाइड्स एंड एंजल्स विल गाइड इन द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में अगले कुछ महीने किस तरह से असर कर सकते हैं प्लीज बताए यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वाव, चीयर्स अप. थ्री ऑफ कप्स, ओके. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स ग्रेट. टू ऑफ वैंड्स, वाव. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके. वी डू हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है. थोड़ा सा मैं सामने लेके आती हूँ ताकि आपको दिखाई दे. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ पेंटिकल्स. इससे मैं देख लेती हूँ ताकि आपको भी पता चले. यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले कुछ महीने क्या हो सकता है. गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए. ओके वाव, टेन ऑफ पेंटिकल्स दो साइड से है. ओके एक कन्फर्मेशन है आपके लिए. द एम्प्रेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे द एम्प्रेस है. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके ग्रेट. बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आ रहा है, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके. डेविल, ओके. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाइज वन, द हायरोफेंट की एनर्जी. ब्यूटिफुल कार्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. जस्ट एक टर्म में हम अगर इसको कहें ऑल पॉजिटिव. यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट नंबर्स है टू थ्री. थ्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, टू थ्री नाइन, ऑल राइट. एंड अर्थ साइन हैवी है, ठीक है, क्योंकि नीचे का डेक आप देख रहे हैं पूरी तरह से अर्थ साइन है. इसका मतलब ये नहीं बाकी दूसरे साइंस नहीं आ रहे हैं. यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. तो ऑल द साइंस आर देयर, ठीक है. सो थ्री थ्री थ्री, डबल थ्री, ट्रिपल थ्री आप देख सकते हैं. ओके सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है. टेन 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 इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. मे बी आपको इसका रिजल्ट तीन से पाँच महीने के अंदर ही मिले या हो सकता है उससे पहले भी आपको मिल जाए, क्योंकि अगले कुछ महीने का रीडिंग जो है मैंने आपको कहा है. यहाँ पे आई डू फाइंड कि सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखा वो है कि आप कुछ मतलब कुछ महीने के अंदर एक ऐसे संस्था के साथ, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ने वाले हैं जनरली जो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स सर्विसेज का अच्छा सा उनके पास रिस्पॉन्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, लाइक ब्रिटानिया कंपनी जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन उस सारे कंपनीज़ के साथ हो सकता है कि आपके एसोसिएशन बने, ठीक है. जनरली फूड प्रोडक्ट्स में भी, फूड बिजनेस इस तरह के, फूड प्रोसेसिंग या एनी टाइप ऑफ आईटी कंपनी जॉब्स, ठीक है, एनालिटिकल जॉब्स कि जहाँ पे आपकी जो जिस विषय में आपने सेलेक्ट किया था फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट उसी फील्ड के हिसाब से आपको जॉब मिल रहा है. ऐसा होता है ना कि जिस फील्ड पे जनरली लोग एजुकेशन करते हैं, कभी कभी देखा गया है कि
जनरली उससे वो हटके चीज करते हैं, ठीक है, वो तो आप कर ही सकते हैं, बट आई डू फाइंड कि आप ही के फील्ड में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी एंड प्लेसमेंट आपको मिल सकता है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लमेटिक चल रहा था, आपको कोई नया अवसर नहीं मिल रहा था, ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप घर में बैठे या बाहर जाएं, दोनों तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्मार्टनेस, आपकी स्किल्स, आपके पास जो भी नॉलेज है, एजुकेशन है, ठीक है, बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो भी है, रिसर्च वर्क, ये सब कुछ चीज़ आप आसानी से कर रहे हो। रिलेटेड टू यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन बिजनेस लाइक आर्किटेक्चर, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, लाइक ब्रिज, ठीक है, उस तरह से जॉब हो सकता है कि आपके लिए हो। कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अगर आप एक फीमेल है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप घर में ही बैठ के बहुत कुछ ऐसे अनोखे चीज़ बना रहे हैं जो जनरली ऑडियंस या पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा है। एनीथिंग रिलेटेड टू डेकोरेशन आइटम्स, जिस तरह से उस दिन मैंने देखा कि आई डिड सी ऑफ कोर्स कि जो भी पुराने कपड़े हैं उसको फिर से कैसे न्यू डिज़ाइंस बनाया जाता है वो देख रहे हैं। रीयूज्ड आइटम्स को किस तरह से फिर से और एक दूसरा चीज़ में कन्वर्ट करके लोगों के सामने वो पेश कर रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कोई सेलिब्रेशन आपके लिए वेट कर रहा है। रिलेशनशिप के मामले में तो बहुत ज़्यादा लकी साबित हो रहे हो, जितना भी टॉक्सिक कनेक्शन है उसको आप छोड़ दोगे, क्योंकि द वाइज वन यही बोलना चाह रहे हैं। देखो वाइज वन के नीचे द स्टार कार्ड है, सो दिस रीडिंग इज लाइक अ जैकपॉट टू यू कि हर एक चीज़ में मुझे दिख रहा है एक्सपेंशन, आपकी जो यस आपकी जो ज्ञान है, आपके जो नॉलेज है, आपके जो विजडम है, जिस तरह से लॉर्ड गौतम बुद्ध ने पीपल पेड़ के नीचे जैसे निर्वाणा प्राप्त किया था, मतलब क्या है कि उनको सबसे हाईएस्ट लर्निंग मतलब एनलाइटनमेंट हुआ था, उसी तरह से ज्ञान शक्ति आपका बढ़ रहा है, आप जज कर पा रहे हो, आप एनालिसिस कर पा रहे हो, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। हाँ, यहाँ पे क्या है, कुछ एडिक्शंस आपके आ सकते हैं, जैसे वीडियो गेम्स खेलना या कुछ ऐसे दोस्तों के साथ मिक्सअप होना जिन जो शायद हेल्दी चीज़ें नहीं करते, एंड यू विल गेट रीड ऑफ दैट, आपको मुक्ति मिल जाएगा। मतलब क्या है ना, अगर आपके कोई इंटॉक्सिकेशन है, मतलब कुछ ऐसे है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो लेकिन आप आदत छूट नहीं रहा है, ठीक है, उस चीज़ से, आप ही जानते हो किस चीज़ से। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स, दे कैन बी ऑफ एनी टाइप ऑफ स्मोकिंग हैबिट, अल्कोहल, और एनी टाइप ऑफ वॉचिंग वीडियो गेम्स, और एनी टाइप ऑफ एडल्ट वीडियोज, जो भी है वो आदत होते हैं, क्योंकि वो हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो कोई दोष का बात नहीं है, लेकिन जितना हो सके आप उस चीज़ से दूर रह जाए, कट ऑफ कर दें, वही आपके लिए बेटर है। हायर डिग्रीज, हायर कंप्लीशन ऑफ यू कैन से मास्टर्स और रिसर्च वर्क और एनी टाइप ऑफ फार्मूला इन्वेंशन, कुछ फार्मूला आप शायद बना रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग नेम, फेम, रेपुटेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एक स्टाइलिश पर्सनैलिटी आप बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप अपने आप को बदल रहे हैं, इस तरह से नहीं कि जी फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से पत्ते झड़ जाते हैं, राइट, फिर जब आता है उसका प्रॉपर सीजन, फिर वो पत्ते हरियाली हो जाते हैं, तो सीजन्स की तरह आपकी ज़िंदगी जो है यहाँ पे बदल रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, डिस्टेंट कनेक्शंस आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बाहर के देशों के साथ आपका अगर कनेक्शंस बढ़ाना है, तो कुछ जो समय है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो रहा है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दो चीज़ मुझे यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ पेंटिकल्स ही था एज यूजुअल, एज आप देख रहे हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी टेन ऑफ पेंटिकल्स है। यही बताते हैं कि आपकी स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी
फैमिली बिजनेस में बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होना, फिर एक साथ इकट्ठा आप लोग रह रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो, हर दुख में, सिर्फ सुख में नहीं, हर दुख में भी आप एक दूसरे को संभाल रहे हो, इससे बराबर तो हो ही नहीं सकता जब हम अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं या आसपास ही रहते हैं, लेकिन मिलजुल के हम खाना खाना, मौज मस्ती करना, उसके साथ साथ हमारा जो वातावरण है वो कितना बदल जाता है। सब लोग एक दूसरे से बात शेयर करते हैं, छुपाते नहीं हैं, सब लोग मोबाइल पे बिजी नहीं होते लेकिन आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जो आजकल के ज़माने में मिसिंग है। सो यू विल बी डूइंग दैट, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, परदादा, परदादी, नाना नानी, दादा दादी, सब लोग मिल रहे हैं, मस्ती हो रही है, पार्टीज चल रही है, कजिन्स, आपके कजिन्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आ रहे हैं, शादी का बात भी किसी का फिक्स हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि आपका, बट किसी और का भी हो सकता है आपकी फैमिली में। और अगर आप अपने पेरेंट्स को मना नहीं पा रहे थे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आपके पेरेंट्स यहाँ पे मान रहे हैं, मे बी फॉर सम काइंड ऑफ एजुकेशन। हो सकता है कि वो आपको दूर भेजना नहीं चाहते, मे बी आप एक लौते बच्चे हो, या हो सकता है कि आपको मना किया जा रहा था कि आप जॉब ना करें, बट आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड मे बी वो एग्री कर रहे हो उस मैटर पर, ठीक है। आप उनको समझा पा रहे हो, आप उनका अप्रूवल मिल रहा है। उसके साथ साथ एनी अप्रूवल ऑफ लोन्स, अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है फेवरेबल टाइम है, आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा आप अगर डॉक्यूमेंट सही से दे देते हैं, जमा कर देते हैं। एनी टाइप ऑफ जॉब विच रिलेट्स टू मनी, ठीक है, हो सकता है कि फॉरेन सोर्सेज से आपकी मनी आ रहा है, या हो सकता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस से आ रहा है। आप प्लानिंग करते हुए जो दिखाई दे रहे हो उसमें सफलता आपको प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे लोग तो प्लानिंग करते हैं लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होता, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड स्टेबिलिटी सबसे बड़ा बात है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जैसे लोग एक बार घर खरीदे तो स्टेबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, उसके बाद उनको लगेगा सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी इंस्टॉल करना, डोर लॉकिंग सिस्टम, वो हो गया सिक्योरिटी। फिर वो सोचेंगे कि नहीं, जैसे अब्राहम्स लॉ ऑफ हायरार्की इन द मैनेजमेंट, फिर वो सोचेंगे नहीं, हमारे सोशल नीड्स भी है, हम अपने पड़ोसी के साथ बात भी करेंगे, फिर वो करेंगे। फिर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को समझना, एक्सप्लोर करना, खुद के साइड जो शायद दुनिया ने नहीं देखा था वो लोगों के सामने लेके आना। आपकी टैलेंट है लेकिन हिडन है, शायद आपको लगता है कि आपके टैलेंट अनुसार आपको पेमेंट्स नहीं मिलता है, बट धीरे धीरे आप देखोगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना आप बेसिक स्ट्रांग आप करोगे, जितना आप स्ट्रांग बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज करोगे और अपने आप को, ठीक है, फ्री रखोगे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ टेंशन एंड इनसिक्योरिटी, जेलसीज, हिपोक्रेसी, एनीथिंग, वो हम इंसान हैं, हमारे अंदर आ ही जाता है। जितना भी लोग ढोंगी होते हैं, फेक होते हैं, जो मैं देखती हूँ कभी कभी सोशल मीडिया पे, इफ़ यू स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, ठीक है, अपने आप को जैसे होता है ना कि शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, जो एक्चुअल है वो एक्चुअल है, अगर हम अगली है तो अगली ही है, अगर हम खूबसूरत है तो खूबसूरत है, उसको जाहिर करना, बार बार शो ऑफ करना, बार बार कुछ चीज़ों में अपने आप को ग्रोथ, अब सबसे स्पिरिचुअलिटी का सबसे बेस्ट साइड होता है कि बर्थ एंड रीबर्थ जो होता है, उसी दौरान हमें अपनी जो है लाइफ पर्पस कंप्लीट करने पड़ते हैं। और ये जो हमारे पास बाधाएं आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डेविलिश कार्ड, सो टेम्पटेशन, वो हमें एक गलत दिशा पे लेके चला जाता है, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी मच कंस्ट्रक्टिव, ताकि हम जितना बार भी, ठीक है, जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता है, बर्थ एंड रीबर्थ में हम अपना काम को कंप्लीट कर पाए, जब तक हमारे सोल मिशन कंप्लीट नहीं होता है इस पृथ्वी में, तब तक डेथ एंड बर्थ होता जाएगा। सो इट्स बेटर टू बी वेरी ओरिजिनल, ओरिजिनल फॉर्म में रहे। हर आप देखोगे मूवीज भी, जो भी उसका नेक्स्ट पार्ट आता है, मुझे नहीं पता सबके चॉइसेस कैसे हैं,
ओरिजिनल जो मूवी होता है राइट, उसका सीक्वल जो बनता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओरिजिनल जो मूवी बनाया जाता है मतलब फर्स्ट पार्ट, वही बेस्ट है। सो ओरिजिनल इज ऑलवेज बेटर राइट। अभी लोग डिफर कर सकते हैं ओपिनियन में, क्योंकि लोगों का ओपिनियन वेरी हो सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है, बट मुझे जो लगा मैंने आपको कहा। देख लेते हैं यहाँ पे, इंपॉर्ट हो सकता है कि आप कुछ लिखे, आप कुछ एक्सप्रेस करें, ठीक है, और आप कुछ नॉवेल्स या बुक्स लिखना स्टार्ट करें, मे बी डायरी आप मेंटेन करें, उस तरह से मुझे दिख रहा है। रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, मैंने आपको यही कहा, हो सकता है कि आप दूसरे देश में जाके सेटल होने वाले हो या प्रिपरेशन आप स्टार्ट करने वाले हैं। ओवरसीज जॉब एंड टीचिंग प्रोफेशन, मैंने आपको यही कहा कि बाहर के देश से ऐसा हो सकता है कि यू आर बिकमिंग, यू कैन से यू हैव स्टार्टेड अ चैनल, जो पॉडकास्ट है, या लर्निंग कोर्स आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स, उस तरह से हो सकता है। अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, किसी ऐसे इंसान से मिलना जिससे आप पहले कभी भी नहीं मिले, मे बी ऑन द वे व्हेन व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, सो ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। कटिंग एज, बहुत शार्प टेक्नोलॉजी एज में आपका जन्म हुआ है, सो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशन सेंटर्स, बार बार मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ना बीएड या कुछ उससे भी रिलेटेड कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो, ताकि आपको लेक्चरर या मे बी टीचर, मे बी प्रोफेसर की जॉब आपको मिले, एंड यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। मे बी आप लोग अपने मास्टर्स कंप्लीट करने वाले हो, या रिसर्च, टूरिस्ट स्पॉट, ट्रैवलिंग, रीलोकेशन एंड माइग्रेशन। कुछ लोगों के लिए तो मतलब दूसरा कंट्री जाना या दूसरे स्टेट में जाना फिक्स है यहाँ पे। जून इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। डॉक्टर, मे बी यू सिलेक्ट योर प्रोफेशन एज डॉक्टर, या आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या आपको बॉडी चेकअप के लिए बोला जा सकता है। अक्टूबर महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाउ लेट मी कम टू द क्यूब्स। तो देख लेते हैं अगले कुछ महीने में क्या आने वाला है। ओके, देखा, इम्पोर्टेंट मेल, अर्जेंट मेल, मैसेजेस कैन कम अप टू यू। डॉक्टर यहाँ पे बार बार हो रहा है, सो अगर सिम्टम्स आपके बॉडी में हैं तो ज़रूर आप डॉक्टर को विजिट करें, या हो सकता है कि आप मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट खास है, सो हो सकता है कि आप उसके रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर या पामिस से अपना हाथ दिखा रहे हैं। ओके, आप किसी रिलेशनशिप को कट ऑफ कर रहे हैं, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगले कुछ महीने आप काफ़ी बिजी हो जाओगे, शायद आपके पास समय कम होगा लोगों से भी मिलने का, एंड आई डू फाइंड किसी के साथ इम्पॉर्टेंट डेट कॉफ़ी में जा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे देखो लव साइन है, सो सकता है कि कॉफ़ी मैसेजेस, कॉफ़ी डेट, ओके, रोमांस, ऑल राइट, एंड यस, हो सकता है कि जून महीना इम्पॉर्टेंट है बोल के, यहाँ पे जब हम बहुत ज़्यादा धूप होता है तभी ना हम सनग्लासेस पहनते हैं, सो हो सकता है कि यू विल बी सेंड टू एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ड्यूरिंग समर सीजन। हो सकता है गर्मी के समय पे आपको किसी जगह पे भेजा जाए, या आप खुद जा रहे हो। आपको हमेशा खुद का जो एरिया है उसको ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन रखना है, साफ सफाई रखना है, ठीक है। कभी भी आपके दरवाजे के जो एंट्रेंस है वहाँ पे गंदगी मत रखिएगा। ओके, सो दिस इज ऑल। नाउ लेट मी फाइंड आउट थ्रू द ओरेकल कार्ड्स। ब्यूटीफुल आया है, इन अ नटशेल मैं बोल सकती हूँ, इट्स रियली ऑसम। सो एक ओरेकल कार्ड देख लेते हैं हम। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, देखो ये क्वालिटी टाइम, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, ये आपके लव्ड वन के साथ है, जो मैंने आपको पहले ही तो कह दिया, सिर्फ आपके लवर के साथ नहीं, सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं, बट आपके पूरी तरह से परिवार के साथ, और अगर आप एक बॉस से सारे जो एम्प्लॉयज आपके नीचे काम करते हैं उनके साथ आप भी अच्छा समय स्पेंड करेंगे, आप भी उनको
आउटिंग्स के लिए लेके जाएंगे, उनके साथ अच्छा सा वक्त बिताने से, आप कम्युनिकेट करने से और भी उनके साथ आप स्पेंड करने से क्या होता है ना, वो भी समझ जाएंगे कि आप कैसे इंसान हैं, ठीक है। और आपके साथ कोऑपरेशन उतना ज़्यादा ही होगा। जैसे कुछ जब वेयर आई यूज टू वर्क, द बॉसेस यूज टू टेक ऑल द एम्प्लॉयज, ओके, कि जहाँ पे उनको बाहर लेके जाना, फिर उनके साथ डिनर पार्टीज, एवरीथिंग यूज टू बी देयर, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है ना कि एम्प्लॉयज और भी जो हायर मैनेजमेंट है उनके करीब आते हैं, मतलब सामने आते हैं, तो और फैमिली जैसा बन जाता है सब लोग उसी तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिफिनिटी डेयर ऑफ सिक्स, बट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू अलॉट एंड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ। थैंक यू।